नमस्कार। गर्भावस्था के दौरान बालों के टूटना या झड़ने के कारण। किसी भी महिला के लिए गर्भावस्था उसके जीवन के सबसे सुखद एहसासों में से एक है, लेकिन ढेर सारी खुशियों के साथ ये अवस्था कुछ शारीरिक बदलाव भी लाती है। इस दौरान जी में चलना, हाथों पैरों में सूजन, थकान, त्वचा पर धब्बे बहुत आम है। बालों का झड़ना भी ऐसी ही एक समस्या है जिसका सामना गर्भावस्था के दौरान आपको करना पड़ सकता है। हालांकि बालों का झड़ना एक सामान्य बात है और यह सबके साथ होता है। बाल खासकर तब ज़्यादा झड़ते हैं जब हम इन्हें धोते हैं और या कंघी करते हैं। बालों के बहुत ज़्यादा झड़ने को टेलोजेन एफ्लूवियम भी कहते हैं और यह आमतौर पर गर्भावस्था के बाद 1 से 5 महीने के बीच होती है। यह एक अस्थायी समस्या है जो 40 से 50% महिलाओं को प्रभावित करती है। बालों का झड़ना आमतौर पर डिलीवरी के बाद 6 से 12 महीने के भीतर सामान्य हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल अस्थिरता और कुछ शारीरिक परिवर्तन बालों के झड़ने का कारण बनते हैं। बालों के बढ़ने के क्रम में वह लगभग 90% बढ़ रहा होता है, जबकि शेष 10% निष्क्रिय अवस्था में रहता है। गर्भावस्था के दौरान ज्यादातर महिलाओं के बाल घने चमकदार होते हैं। गर्भावस्था के दौरान बाल कई कारणों से झड़ सकते हैं। इस दौरान गर्भवती महिला शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव से गुजरती है जो बालों के झड़ने की वजह हो सकती है। इनके अलावा और भी कुछ कारण हैं। आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बालों के झड़ने के पीछे क्या कारण हैं। कारण एक, पोषण की कमी। एक गर्भवती महिला को अधिक पोषण की जरूरत होती है और यदि आप पहली तिमाही में मतली का अनुभव करती हैं तो हो सकता है ये आप में पोषण तत्वों की कमी की वजह से हो रहा हो। पौष्टिक भोजन के अपर्याप्त सेवन के अक्सर बाल झड़ने लगते हैं। आयरन, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है। याद रखें कि विटामिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन से भी बाल झड़ने लगते हैं। रीजन टू, एलोपेशिया। इस अवस्था में बाल कुच्छे के रूप में झड़ सकते हैं या पीचेस के रूप में भी निकल सकते हैं, जैसे सिर के बीच से या सामने से या सिर के किसी और भाग से। पीचेस के रूप में बाल झड़ने वाली इस समस्या को चिकित्सीय भाषा में एलोपेशिया कहा जाता है। गर्भवती महिला को ऐसा होना आम है। रीजन थ्री, बीमारी। कुछ मामलों में गर्भवती महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज या दांत फंगस जैसी कुछ समस्याएं होती हैं। इन्फेक्शन जिससे बाल झड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाओं बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। रीजन फोर, हार्मोनल परिवर्तन। गर्भावस्था के दौरान बहुत से हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। आपके शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और वे बाल विकास की सुविधा देते हैं, लेकिन जब आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलित होने लगता है तो आपके बालों में इसका असर पड़ने लगता है। हार्मोन्स में तार एक बड़ा कारण है चढ़ाव बालों के झड़ने का, क्योंकि ये बालों के सामान्य विकास चक्र में बाधा डालते हैं जिससे ये अत्यधिक बालों के झड़ने के कारण बनता है। रीजन फाइव, आनुवंशिक समस्या। बालों का झड़ना कई मामलों में आनुवंशिक रूप से भी जुड़ा होता है। यदि आपकी माँ की गर्भावस्था के दौरान ऐसी स्थिति थी, आप भी इस समस्या से प्रभावित हो सकती हैं। रीजन सिक्स, थायराइड की कमी। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में थायराइड का स्तर कम होता है। ये हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, मानसिक स्वास्थ्य, पाचन प्रक्रिया और यहाँ तक कि बाल नाखूनों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है। नतीजतन थायराइड की कमी आपके बालों को झड़ने का कारण हो सकती है। रीजन सेवन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS। PCOS हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है जो महिलाओं में पुरुष हार्मोन को अतिरिक्त मात्रा में छोड़ता है। इससे महिलाओं में बालों का अत्यधिक विकास होता है। इससे सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। रीजन एट, गर्भनिरोधक गोलियाँ बंद करना। प्रेगनेंसी से पहले अगर महिला गर्भनिरोधक गोलियाँ लेती थी तो उन्हें इस दौरान बाल गिरने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। संयोजन की गोलियाँ जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, ये गर्भनिरोधक गोलियाँ आपके बालों को बहुत जल्दी आराम करने के चरण में ले जाती हैं और इससे बालों के अत्यधिक झड़ना शुरू हो जाता है। रीजन नाइन, फॉलिक एसिड की कमी। विटामिन B12 या फॉलिक एसिड बाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये बालों के विकास को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B12 की कमी के कारण बालों का विकास धीमा हो जाता है। फॉलिक एसिड विटामिन B12 गर्भावस्था के दौरान होने वाले सेल्स के विकास, दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
हैं, इसकी कमी से भी बालों की गिरने की समस्या हो सकती है। रीजन 10, एनीमिया। गर्भावस्था के दौरान शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा में कमी से बाल गिरने की परेशानी होती है। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी बहुत आम है और बाल गिरने की समस्या गर्भावस्था के दौरान होने लगती है। रीजन 11, दवाएं। गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं जो आपके रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दी जाती हैं, जिससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला उच्च रक्तचाप, चिंता और तनाव के लिए दवाएं लेती है तो ये भी बाल झड़ने के कारण हो सकते हैं। 12, प्रजनन संबंधी समस्या। यह देखा गया है कि जन्म नियंत्रण की गोलियां लेने या अन्य जन्म नियंत्रण प्रक्रिया को बंद करने के से अक्सर बालों के झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। एवॉर्शन, मृत शिशु का जन्म और गर्भपात के कारण बाल झड़ने झड़ सकते हैं। रीजन 13, सिर के स्केल संबंधी बीमारी। कई महिलाओं के सिर की त्वचा संबंधी एलर्जी के कारण भी आपको बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके सिर की त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। यह बालों की पतली होनी यहाँ तक कि बालों के झड़ने का भी कारण बन सकता है। रीजन 14, संतुलित आहार की कमी। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को अधिक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में संतुलित आहार न लेने की वजह से गर्भवती महिला को बाल गिरने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। रीजन 15, सिर में एलर्जी होना। कई गर्भवती महिलाओं को सिर में एलर्जी होती है, इसकी वजह से उनके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। रीजन 16, चर्म रोग। चर्म रोग एक दीर्घकालिक बीमारी है, जिसमें शरीर की खुद की रोग प्रतिरोध प्रणाली कोशिकाओं पर आक्रमण करने लगती है, और महिलाएं जब गर्भवती रहती हैं तो ये बीमारी आक्रमण करती है। इसमें बालों के जड़ स्कैल्प पर रेसिस हो जाते हैं और केस झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। रीजन 17, बालों की ज़्यादा स्टाइलिंग। बालों में शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल, बालों को ज़्यादा डाई करना या फिर कलर करने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। हेयर जेल लगाने से बाल ज़्यादा झड़ते हैं, टूटते हैं। आजकल बालों की डिफरेंट लुक देने के लिए केराटिन हेयर ट्रीटमेंट का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। इससे बालों को कुछ दिनों के लिए स्टाइलिश तो बना सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में यह बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे बाल काफ़ी तेजी से झड़ने लगते हैं। गर्भावस्था के दौरान बाल झड़ने के कारण बहुत हैं। इसके अलावा अगर बच्चे के जन्म के बाद आपके बालों के झड़ने की समस्या बढ़ गई है तो घबराइए नहीं, ये आम है और किसी भी महिला के साथ हो सकता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बिना अपने डॉक्टर से परामर्श की कोई दवा न लें। यह वीडियो केवल गर्भावस्था के दौरान बालों के टूटने के कारणों के लिए है। गर्भावस्था के दौरान बालों के टूटने के उपाय चरक आयुर्वेदा के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चरक आयुर्वेदा के इस वीडियो को देखने, शेयर करने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।